तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की लखनऊ से आई खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि युवक पर पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई है और आग से झुलसे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको यह भी बताया कि आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। हसनगंज थाना क्षेत्र के छितवापुर का यह पूरा मामला है। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि स्थानीय पार्षद हर्षित दीक्षित के गुर्गों पर परिजनों का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है। युवक के भाई और मां ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है, पुलिस में दलील दी है। तो युवक ने खुद को आग लगाई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने ये कहा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये ब्लड पिक्चर उस शख्स की है जिसे पुलिस कह रही है कि इसने खुद पेट्रोल से खुद पर आग लगाने की कोशिश की है और झुलसी हुई हालत में अस्पताल में भर्ती है। सूत्र कहते हैं कि आईपीएल में सट्टेबाजी का काम करता था। हसनगंज थाना क्षेत्र के छितवापुर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लखनऊ से यह बड़ी खबर, जहां युवक पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले करने की खबर है। लेकिन एक एंगल कहता है कि युवक ने ऐसा खुद के साथ खुद ही किया है और अभी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है युवक को। सूत्र कहते हैं कि आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। छितवापुर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर युवक पर पेट्रोल डाला गया है, आग के हवाले किया गया है या खुद ऐसे किया है, इसके पीछे की वजह क्या है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, इसमें दो एंगल सामने आ रहा है, अब तक पुलिस की कार्रवाई में क्या बातें सामने आ रही है, क्या इस खबर पर अपडेट है? शैलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, हम शैलेश से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मामला गंभीर है क्योंकि युवक बुरी तरीके से झुलसा है और युवक पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। आग से युवक बुरी तरीके से झुलस चुका है, बर्न वार्ड में है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सिविल अस्पताल में वो भर्ती है। परिजन कहते हैं कि उसे आग के हवाले किया गया है, जबकि सूत्र कहते हैं कि आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर है। अगर सट्टेबाजी वाला एंगल सामने आता है तो कौन है और इससे जुड़े और कौन से लोग हैं, ये तमाम सवाल अब छानबीन के दायरे में आते हैं।